अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बाजू में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, टाइफाइड का बुखार शरीर में साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता है। साल्मोनेला टाइफी नामक ये बैक्टीरिया गंदे पानी और इन्फेक्शियस खाने से फैलता है। ऐसी हालत में टाइफाइड बुखार के रोगी को खास देखभाल और सही डाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बीमारी में ज़रूरी दवाओं के अलावा मरीज को किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए ताकि उनकी ये बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो दोस्तों, टाइफाइड बुखार के शुरुआत में साबुदाना, पानी मिला दूध, होल ग्रेन, ब्राउन ब्रेड और बिस्किट जैसी सभी चीज़ों का थोड़ी मात्रा में सेवन करें और पानी हमेशा उबालकर ही पिएं। इसी तरह फलों में केला, चीकू, पपीता, सेब, मौसम्बी और संतरे का सेवन करें और हमेशा जूस की बजाय फलों का सेवन करें। इस बीमारी में फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये आसानी से हजम भी हो जाते हैं और इससे शरीर को सभी ज़रूरी तत्व भी मिल जाते हैं। इसी तरह बुखार उतर जाने के बाद टाइफाइड में आई कमजोरी को दूर करने के लिए किशमिश, मुनक्का, मूंग की पतली दाल, पतला दलिया, मक्खन, उबला हुआ दूध और दही वगैरह का सेवन करना चाहिए क्योंकि दूध के सेवन से दवाइयों की गर्मी कम होती है और शरीर को ताकत भी मिलती है। इसी तरह टाइफाइड में दही खाना भी बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर मरीज को खांसी, जुकाम या जोड़ों में दर्द हो तो दही का सेवन ना करें। इसी तरह जब भी प्यास लगे तो सादे पानी की जगह पानी और शहद के मिश्रण का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप आधे गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद डालकर पिएं। इसकी वजह से आपके पाचन तंत्र को काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि टाइफाइड में मरीज को अक्सर पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे बदहजमी, दस्त और गैस वगैरह। इसके अलावा अगर आप पी सकें तो लौंग के पानी का भी इस्तेमाल करें, ये भी टाइफाइड में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आप 5 लौंग लेकर 2 लीटर पानी में डालें और इसे तब तक उबालें जब तक 1 लीटर पानी ना रह जाए। फिर इस पानी को गैस से उतार कर कुछ देर ऐसे ही रख दें। इसके बाद इसे छान लें और इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन पिएं। तो दोस्तों, बताने के लिए वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इन कुछ छोटी मोटी बातों को ही फॉलो कर लोगे तो सिर्फ इससे ही आपको टाइफाइड में काफ़ी राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई इन घरेलू नुस्खों से फ़ायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बाजू में बनी घंटी को भी ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।